गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के रिक्रूटमेंट वैकेंसी के सिलेबस और लास्टली में कट ऑफ सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दें बीएचईएल का ये रिक्रूटमेंट 2019 में लास्ट आया था।, था।, था पिछले दो साल से नहीं आया है तो अभी 2022 13 सितंबर को आया है जिन कैंडिडेट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका बी का फुल नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के आई बटन में मेंशन कर दूंगी वो कैसे स्टूडेंट्स जा करके वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं और इस रिक्रूटमेंट की तो यहाँ पर टेक्निकल एज वेल एज़ नॉन टेक्निकल दोनों वैकेंसी आई है बी की तरफ से बी टेक एम बी ए कैंडिडेट फिल करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और सिलेबस सीक्वेंसली और लास्टली में डिस्कस करेंगे कट ऑफ यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी एच ई एल फॉर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यहाँ पर सीबीटी मोड एग्जामिनेशन रहने वाला है और ढाई घंटे का वन आवर फिफ्टी मिनट्स का भी ये सीबीटी मोड एग्जामिनेशन रहने वाला है सब यहाँ पर सेक्शन वन की बात करें तो सबसे पहला सेक्शन होगा आपका कंसर्न डिसिप्लिन से या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं आप या फाइनेंस से या एच आर से उसके एक सौ बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे ई ईच ऑफ वन मार्क्स सेकंड सेक्शन होगा आपका रीजनिंग का उसमें भी पचास क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईच ऑफ वन मार्क्स थर्ड सेक्शन होगा जनरल नॉलेज का जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स कह सकते हैं इसके भी आपसे बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईच ऑफ वन मार्क्स फोर्थ सेक्शन होगा आपका जनरल इंग्लिश का इसके भी पचास क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईच ऑफ वन मार्क्स टोटल क्वेश्चन यहाँ पर होंगे दो टोटल टू फोर्टी मार्क्स की एग्जाम होगा सी बी टी मोड में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जी हाँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और वन फोर्थ की यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा यहाँ पर फर्दर आप सिलेबस की बात करें इन ब्रीफ में सेक्शन वाइज तो यहाँ देख सकते हैं सेक्शन वन जो कंसर्न डिसिप्लिन से है आपका वहाँ पर सिविल मैकेनिकल आई टी इलेक्ट्रिकल केमिकल मेटलर्जी अगर आप किसी भी डिसिप्लिन से तो उस डिसिप्लिन का उस कंसर्न इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एज पर यू जी डिग्री कोर्स जब फाइनेंस डिसिप्लिन से है तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एचआर डिसिप्लिन से तो वो भी उसके लिए भी आपको कंसर्न सब्जेक्ट डिसिप्लिन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर रीजनिंग की बात करें

इकोनॉमी इंडियन पॉलिटी इंडियन और सभी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं एर तो रिक्निशन आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा वर्ब एंड प्रिपोजिशन को फिल करने आएगा स्पेलिंग डिटेक्शन मिस स्पेल्ड वर्ड आएंगे शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज एंड कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी देखने को मिलेगा तो यह पूरा डिटेल में टॉपिक वाइज यहां पर सिलेबस डिस्कस किया गया अब बात करें लास्टली कट ऑफ की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ फॉर द इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सीबीटी मोडी फिफ्थ एंड का कट ऑफ है सारे डिसिप्लिन का मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल केमिकल एच आर एंड फाइनेंस यहाँ पर टू फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन था टू फोर्टी मार्क्स का ये सीबीटी मोड में था यहाँ पर दो कट ऑफ आप देख सकते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है मैं एक एक करके बता रही हूँ ये टू फोर्टी मार्क्स का है अनरिजर्व का अनरिजर्व कैटेगरी का 137.75 गया था कट ऑफ ई का 124.5 ओबीसी फोर पॉइंट फाइव का वन ट्वेंटी टू का वन फिफ्टीन एस ट्रिपल वन पॉइंट यहाँ बात करें आप आउट ऑफ 100 की तो ये 240 को 100 मार्क्स में कन्वर्ट करके नॉर्मलाइज करके यहाँ निकाला गया है तो आप इसको घबराने की जरूरत नहीं है तो ये 100 मार्क्स का वही कट ऑफ है जो 240 मार्क्स को कन्वर्ट करके नॉर्मलाइज करके 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया गया है तो ये यहाँ पर अनरिजर्व का अगर 100 आउट ऑफ मार्क्स करें कितना गया था कट ऑफ तो फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री नाइन सिक्स गया था ई डब्लू एस का फिफ्टी वन पॉइंट एट सेवन फाइव ओ बी सी का फिफ्टी थ्री पॉइंट एट फाइव फोर एस सी का फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन वन सेवन एन एस टी की बात करें मैकेनिकल डिसिप्लिन की तो फोर्टी सिक्स पॉइंट थ्री फाइव फोर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वहीं टू फोर्टी में आपका अनरिजर्व के लिए वन फिफ्टी फाइव पॉइंट टू फाइव गया था ई डब्ल्यू एस के लिए वन थर्टी एट पॉइंट सेवन फाइव ओबीसी के लिए वन फोर्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव एस सी के लिए वन थर्टी पॉइंट टू फाइव एन एस टी के लिए वन वन एट पॉइंट सेवन फाइव सिविल की बात करें तो आप यहीं पर देख सकते हैं केमिकल का भी यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं कितना गया था कट ऑफ एच आर डिसिप्लिन का वन सेवेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव के लिए गया था ईड्ल्यू के लिए वन ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव ओबीसी के लिए 164.75 एससी के लिए 155.25 एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 160.75 गया था कट ऑफ वहीं फाइनेंस की बात करें तो अनरिजर्वड कैटेगरी के लिए 139.75 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 84.25 ओबीसी कैंडिडेट के लिए 118.75 एसटी के लिए एससी कैंडिडेट के लिए 95.5 एंड एसटी के लिए 45.5 गया था कट ऑफ ये था आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करना क्या एग्जाम पैटर्न था सिलेबस एंड कट ऑफ ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए रिलेटेड कुछ भी पूछना हो सिलेबस चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय